पंचायतों पर टीके को लेकर ग्रामीणों की भीड़ पहुंच रही है, लेकिन टीका कम ही लोगों को लग पा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से ज्यादा मात्रा में टीकाकरण करवाने की मांग की है। टीकाकरण को लेकर मध्य प्रदेश में महाअभियान का असर लोगों में दिख रहा है। उत्साह लेकिन कोरोना नियम की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीण बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। ग्राम पंचायत पर अव्यवस्थाओं को लेकर अभी भी कई हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों में वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। आज मंदसौर जिले के कुछ दूध, हथुनिया, डासिया, बुदियाना, रातीखेड़ी आदि पंचायतों वैक्सीन का कार्य चल रहा था, लेकिन ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जो बिना मास्क पहने ग्रामीण इन पंचायतों में नजर आ रहे हैं। कोरोना ऐसे हालातों से जंग जीतने के लिए अब लोगों में उत्साह तो देखा जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर लापरवाही भी नजर आ रही है। माध्यम से और हम कार्यकर्ता के माध्यम से हमने कई बार लोगों को अवगत कराया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में कुछ भ्रांति है या कुछ लोगों की ये भी सोच हो सकती है कि कोरोना कुछ नहीं, जबकि कोरोना के बारे में काफ़ी लोगों को अवगत कराया गया। कई बार इंडिया में 300 वैक्सीन कोवैक्सीन के डोज प्राप्त हुए हैं और गांव भोलिया में टारगेट था 628 व्यक्तियों के वैक्सीन लगना अभी बाकी है, जिसमें से 306 लगे हैं और 328 और 6 से। माननीय कलेक्टर साहब से भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो अतिशीघ्र इस टारगेट को पूरा कराने के लिए हमें सहयोग कर। हथुनिया में 300 वैक्सीन आई है और ग्राम पंचायत हथुनिया का ही ग्राम जमुनिया मीणा में भी 300 वैक्सीन आई है, तो कुल ग्राम पंचायत हथुनिया में आज को जो 300 वैक्सीन लगने के बाद 80% वैक्सीन का कार्य पूर्ण